इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि हम किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं ऑफिस 97 को। तो मैं माय कंप्यूटर पे चलता हूं, मैंने सीडी रोम में पहले से सीडी डाल दी है, जस्ट क्लिक कर दें और आपके सामने ये होगा। और फिर मैं यहां पे ये सेटअप का ऑप्शन सेलेक्ट करता हूं, फिर कंटिन्यू, फिर मैं ये डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन रहने देता हूँ और ओके ओके कर दें और सीडी की आपके सामने है। अब मैं सीडी की दे देता हूं और क्लिक कर दें ओके, फिर ओके। अब सेटअप सर्च कर रहा है इंस्टॉल कंपोनेंट्स को, फिर आपसे कह रहा है कि ये यहां पे इंस्टॉल करेगा। अगर आपने फोल्डर चेंज करनी हो तो चेंज कर दें, मैं डिफॉल्ट ही रहने देता हूं, क्लिक कर दें ओके। अब सेटअप सर्च कर रहा है कि कोई कंपोनेंट पहले से इंस्टॉल है या नहीं। मैं कस्टम पे, अब इस स्क्रीन पे आपसे कह रहा है कि कौन से इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आप चूज करते हैं, मैं कस्टम कर देता हूं और मैं डिफॉल्ट ये जो ऑप्शन सेलेक्ट है इसको रहने देता हूं और क्लिक कर देता हूं कंटिन्यू, और फिर यहां पे कंटिन्यू और अब इंस्टॉलेशन थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगी। करंटली चेक कर रहा है कि डिस्क स्पेस इनफ है या नहीं और इंस्टॉलेशन आपके सामने है। और करंटली 85% है और 90% और थोड़ी देर में 100% हो जाएगा, हो गया। और अब आपसे कह रहा है ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 97 सेटअप वॉज कंप्लीटेड सक्सेसफुली, क्लिक कर दें ओके, क्लोज कर दें इसको और अब हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को रन करने की कोशिश करेंगे। और प्रोग्राम और आपके सामने ऑफिस है और ये सारा कुछ आपके सामने इंस्टॉल हो गया है और हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के लिए इंस्टॉल किया था। तो क्लिक कर दें और आपके सामने रन हो जाए।